के दोषी गुरमीत राम रहीम के 6 करोड़ से भी ज्यादा भक्त हैं, जो डेरा प्रमुख के इशारे पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर गुंडागर्दी करने से नहीं चूकते। आज आपको दिखाएंगे डेरा सच्चा के 7 दशक का वो सफर जिसकी शुरुआत शाह से हुई थी। बहुत सी परेशानियां, दुख, मुसीबतें हाथों हाथ गायब हो जाते हैं, पर ये रूहानी जाम शुरू करने से पहले उस भगवान का धन्यवाद करना है, और धन्यवाद का तरीका साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें बताया। जिस डेरा सच्चा सौदा का चेहरा आज बाबा राम रहीम है, उसकी स्थापना शाह मस्ताना ने हरियाणा के सिरसा में ही की थी। कौन है शाह मस्ताना और कैसे हुई थी डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत? राम रहीम की डेरा डायरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 8 बजे पब्लिक के सबसे पसंदीदा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा से डेरा कच्चा सौदा तक का सफर अगले आधे घंटे में आपको तय करना है। आप एक एक चीज बहुत बारीकी से देखने और परखने और समझने वाले हैं इस शख्स के बारे में, जो दोषी होने से पहले बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक हुआ करता था। राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दिया जा चुका है। कितने साल की सजा होगी, इसका फैसला सोमवार को होगा। साफ है, राम रहीम का साम्राज्य अब ढह चुका है, लेकिन जब तक उसका सच दुनिया के सामने आया नहीं था, पूरी राजनीति उसके आगे नतमस्तक थी। बीते कई दशकों में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हुकूमत डेरा की ही थी। हर एक मुख्यमंत्री, हर राजनीतिक दल का नेता राम रहीम के दरबार में हाजिरी लगाता रहा। आखिर क्यों राम रहीम सियासत का पावर हाउस बन गया, इसे हम आपको आज बताने वाले हैं। हम आपको राम रहीम का माया लोक भी दिखाने जा रहे हैं, जिसके आगे लाखों लोग बस राम रहीम के इशारे पर, एक इशारे पर गुलाम होकर रह गए। सियासत का पावर हाउस बन जाता है, इसका सबूत है डेरा सच्चा सौदा, जिसका प्रमुख है बलात्कार मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम। हरियाणा और पंजाब की सरकारें चाहती तो शुक्रवार को राम रहीम पर कोर्ट के फैसले के बाद हिंसा नहीं हो पाती। लेकिन जानलेवा हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। कोर्ट को सरकार का जिक्र करते हुए कहना पड़ा कि राजनीतिक फायदे के लिए शहर को जलने दिया गया, और अब भी सिरसा के डेरा सच्चा आश्रम में राम रहीम के करीब 1 लाख समर्थक कानून से भिड़ने के लिए अड़े हैं। कि हमारी गांव के लड़के, हमको क्या जरूरत थी अपने परिवार छोड़ के यहाँ आने की, छुट्टी मनाने के लिए आए थे। अब देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, यहाँ बापे ने तो हमारे परिवार जान दिए, बाबा थोड़े उसको तो फांसी तोड़नी चाहिए। मैंने घर उजाड़ दिया, दंगे प्रसाद सारे पापी ने करवाए, ये बाबा थोड़े है, ये तो पापी है घर उजाड़ने वाला। मेरे टेम्पर उजड़ गया। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। खबर तो ये भी आई कि जेल में राम रहीम के लिए सरकार ने 5-स्टार सुविधाओं का इंतजाम किया है, हालांकि इस खबर को सरकार ने खारिज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक में उनको रखा गया है, और जैसा कि किसी कैदी को जैसे ट्रीट किया जाता है, वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये कहा गया कि वहाँ पे एयर कंडीशनर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। राम रहीम जेल में बंद है, बावजूद इसके न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब की सरकार की धड़कनें भी तेज हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा की सरकारें वोट के लिए राम रहीम के आगे हाथ जोड़कर
दंडवत प्रणाम करती आई है और अब भी कर रही है। ये तस्वीर प्रमाण है राम रहीम के आगे मंत्रियों के दंडवत प्रणाम का। इस तस्वीर में हरियाणा सरकार के मंत्री रामविलास शर्मा रेप के दोषी राम रहीम के आगे नतमस्तक है। के चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार राम रहीम से आशीर्वाद लेने आए डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। पंजाब हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के समर्थक लाखों में हैं। राजनीतिक दलों के लिए राम रहीम अपने इन समर्थकों को वोट बैंक में बदल देता है।